नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। वीआईपी ड्यूटी में बिलासपुर से आ रही पुलिस बस को तेज रफ्तार माजदा ने मारी टक्कर। बिलासपुर से जांजगीर आ रही पुलिस से भरी बस को सिवरी नारायण क्षेत्र के कनसदा गांव में तेज रफ्तार माजदा ने टक्कर मार दी। हादसे में 20 पुलिस कर्मियों को चोटें आई है और घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जिस समय यह दुर्घटना घटी उस वक्त बस में 40 पुलिस कर्मी मौजूद थे। घायलों में 5 पुरुष और 10 महिला पुलिस शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आयसर कंपनी की माजदा के ड्राइवर को झपकी आ गई और सामने से आ रही पुलिस फोर्स से भरी बस को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गाड़ियों के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल बिलासपुर की पुलिस फोर्स वीआईपी ड्यूटी में मुख्यमंत्री के जांजगीर मालखुर्दा के कार्यक्रम में निकली थी। बस जांजगीर के सिवरीनारायण से होते हुए अभी कनसदा पुल के पास पहुंची ही थी कि तेज रफ्तार से आ रही आयसर कंपनी की न्यू माजदा ने पुलिस से भरी बस को ठोक दिया। बताया जा रहा है कि माजदा चालक को नींद आ गई थी, जिसके कारण दुर्घटना घटी। सभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी ड्यूटी करने मालखुर्दा के मोहतरा गाँव जा रहे थे। हादसे में 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिरला अस्पताल भेजा गया था, जहां से वापस सिवरीनारायण लाया गया। किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। जानकारों का कहना है कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। 15 से 20 आरक्षकों को सामान्य चोटें आई है। घटना की सूचना के बाद सिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची है और जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समय पर शामिल होने के चक्कर में 25 पुलिस कर्मियों का मार्ग में दुर्घटना हो गया, वहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है, जो किसी अन्य कारण से हुआ है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। हाँ, हम लोग वीआईपी ड्यूटी के लिए बिलासपुर पुलिस लाइन से लगभग 5:30 बजे निकले थे मालखरौदा जाने के लिए। बस में करीब 20-22 लोग थे और 7:15 के आसपास हम लोग केरा गांव के पास पहुंचे थे। वहीं पे सामने से आ रही गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी को टक्कर मार दिया, जिससे कई लोग इसमें चोट लगा है कई लोग को। और उसके बाद हम लोग को दूसरे बस से फिर ले गए वहाँ बिरला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक उपचार वहाँ कराए। उसके बाद यहाँ सिवरीनारायण से पुलिस वाले गए, फिर वहाँ से हमको यहाँ सिवरीनारायण लेके आए पुलिस थाना। थाने में मुलाहिजा भर के फिर यहाँ सिवरीनारायण के स्वास्थ्य केंद्र में मुलाहिजा। गंभीर चोटें नहीं, पैर सिर में वैसे है चोट, खून उन निकला है किसी के नाक से, किसी के पैर में, मेरा खुद का पैर। चोटें हैं या फिर वो तो एक्सरे वगैरह कराने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। अब ज़्यादा वैसे में आप डॉक्टर साहब से अवगत हो जाइए, थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिए। मेरा चोट है, पैर में है, घुटना में है, कलाई में है। आज मालखरौदा और डबरा क्षेत्र में माननीय सीएम महोदय का कार्यक्रम है, वहाँ पे वीआईपी ड्यूटी करने के लिए बिलासपुर पुलिस बिलासपुर से मालखरौदा जा रही थी। जाते समय कनसदा के पास, जो थाना सिवरीनारायण के अंतर्गत आता है, जिस बस में पुलिस जा रही थी, उस बस को विपरीत दिशा से आ रही एक नई माजदा आयसर गाड़ी ने ठोक दिया, जिससे 15 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उस बस में 40 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, लेकिन 15 पुलिसकर्मियों को, जिनमें से 10 महिला आरक्षक हैं और 5 पुरुष आरक्षक हैं, इनको चोटें आई हैं। उन सभी आहत पुलिसकर्मियों को सिवरीनारायण थाने में लाया गया, वहाँ से उनका उचित उपचार मतलब अस्पताल से कराया जा रहा है। और वैसे किसी के गंभीर होने की खबर नहीं है अभी तक की स्थिति में, सभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।